हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज डे 14। तो हम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सिलेक्ट टूल और आज हम देखते हैं एक बार और सपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले हमें एक मॉडल बनाना होगा जिसमें हमें सपोर्ट लगानी है। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया। यूनिट सेलेक्ट की, ओके। ग्रिड डिफॉल्ट ग्रिड ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे हम ऑल स्टोरे करते हैं क्योंकि हमें सभी स्टोरे में कॉलम और बीम ड्रॉ करना है। तो पहले बीम ड्रॉ कर देता हूँ मैं, प्लान के ऊपर ड्रैग कर कर सारे बीम ड्रॉ हो जाएंगे और कॉलम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉलम ड्रॉ हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D मॉडल में पहले से कुछ बेस में सपोर्ट है। ये जो आपका ट्राइंगल शेप में है ये सपोर्ट होता है आपका पिन सपोर्ट। यहाँ इसका मतलब क्या है कि डिफ़ॉल्ट ही यहाँ ये सॉफ्टवेयर ई टैब आपका पिन सपोर्ट लगा देता है। ओके, अब हमें सपोर्ट लगानी है बेस पर फिक्स सपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, हम प्लान पे जाएंगे और यहाँ पे बेस सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जो प्लान नज़र आ रहा है वो बेस का नज़र आ रहा है। अब मैं अगर किसी जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे 3D मॉडल में सारे जॉइंट सेलेक्ट हो गए क्योंकि हमने यहाँ पर ऑल स्टोरे किया हुआ है। तो यहाँ पे वन स्टोरे करके स्कैप बटन से इसे डी सेलेक्ट करते हैं। अब अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो केवल बेस का सिलेक्ट होगा क्योंकि मुझे सभी बेस में फिक्स सपोर्ट लगानी है। तो मैंने सेलेक्ट किया और असाइन जॉइंट जॉइंट रिस्ट्रेन फिक्स। अब हमारे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगे, जूम आउट जूम इन करोगे तो दिखने लगेगा, देखिए फिक्स सपोर्ट। अगर हमें कहीं दो जगह पर पिन लगानी है तो हमने दोनों सेलेक्ट की, असाइन रिस्ट्रेन और पिन सपोर्ट। मुझे यहाँ पे लगानी है रोलर सपोर्ट तो असाइन रिस्ट्रेन, वो रिप्लेस हो जाती है, पहले से फिक्स है हम ये लगा रहे तो रिप्लेस हो जाएगी रोलर। अगर हमें सपोर्ट न हटानी है यहाँ से तो असाइन रिस्ट्रेन पिन, ओके। ये देखिए यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे पिन है और ये फिक्स है और यहाँ पे हट चुकी है सपोर्ट। तो यही है सपोर्ट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।